हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है आपका। और ये देखिए पेपरमेंट है, इसका तेल निकालेंगे हम लोग। तीन गठरी है, ये गठरी यहाँ, दो गठरी यहाँ पे है, एक गठरी उस टंकी में डाल दिया है हम लोगों ने। और इसका हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहें, आप लोग को दिखाएंगे कितना तेल कैसे क्या निकलता है और कैसे इसका तेल निकालते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि टंकी, ये तीन गठरी हमने डाल दिया है और इसकी जुताई करेंगे। वैसे में तो जिस खेत की पेपरमेंट है उसमें एक टंकी निकलती थी, आपकी बार में तीन गठरी ही निकली हुई है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे बच्चे, देख लीजिए झुकाई कर दिए हैं चालू। अनुप्रिया झुकाई चालू कर दिए हैं? हाँ। अच्छा अल्पिका क्या कर रही हो? झुकाई चालू कर रहा। झुकाई चालू कर रही हो? अच्छा, ये उस चीज़ की पढ़ाई हो रही है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मेंथा ऑयल। मतलब इसमें तेल निकलता है, जैसे कई जगह यूज होता है, दवा में भी पड़ता है और तेल में भी पड़ता है। जैसे नवरत्न हो गया है, इसी तरीके के तेल में ये पेपरमिंट का तेल पड़ता है। और हमारी मम्मी रख रही हैं खरवा रख रही हैं और हम खरवा लेने आए। इसको क्या करेंगे, इसको उसी में झोंकेंगे ना, जलाएंगे तब उबाल के, जैसे चावल वगैरह पकता है उसी तरीके से झोंकाई करके इसका तेल निकलेगा। और हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहें, दिखाएंगे आप लोगों को। हम उठा रहे हैं खरवा, चलो उठाओ ना। रखो हमारे ऊपर दोस्तों, अब टापा को रख दिया गया है, अब तेल चलना थोड़ी देर में हो जाएगा स्टार्ट। और तेल कहाँ से निकलेगा, ये देखिए यहाँ से ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ इसमें जाएगा, इसमें से होके ये यहाँ पे सापलेटर रखा हुआ। और ये देखिए भाफी, टापा रखते ही भाफी बताने लगा, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये है टंकी मालिक। और कितने रुपए प्राइस लेते हो चाचा? 300 रुपया। 300 रुपया टंकी पर? और जैसे आधी हो? आधा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टंकी है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कभी नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं। और इसका तेल किसके काम में आता है वो भी हमने आपको बता दिया है वीडियो में। चलो झोंको चले अनूप। और बच्चे लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, ये बच्चे लोग खाना चाहते हैं अंबिया, इसलिए मेहनत करने में लगे हुए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तेल गिरना हो गया है स्टार्ट और इतना तेल भी आ चुका है। ये देखिए ये तेल है, बस तीन गठरी थी मात्र ना, तो तेल बहुत कम पड़ा है। अभी निकालेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों हम तेल को कैसे पता करते हैं कि इसमें तेल बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ टंकी में? ये जो दिख रहा है ये बोतल का घेरा, अगर तेल होता तो इसमें जनाई देता है थोड़ा सा। इसमें तेल हो चुका है ख़त्म, और टंकी को करते हैं समाप्त, निकालेंगे इसका लीजा। अब तेल निकालना हम लोगों ने कर दिया स्टार्ट। ये इधर से डाला जा रहा है पानी और इधर से ये नलकी से निकलेगा तेल, और इसने इससे निकलता है पानी, तो इसमें लगा के रखें कपड़ा। ये रहा जो ऊपर दिख रहा है हरा हरा, यही तेल है। और अभी निकालेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे निकलता है तेल, बस बने रहिए। नपी होगा? हाँ नाप ले, थोड़ा नाप है खुद। और पानी ले। अब
अब इस नलकी से तेल गिरना हो गया है स्टार्ट। ये तेल ही गिर रहा है। ऐसे ही तेल निकाला जाता है और ये तेल बहुत झार मारता है। इसको नवरत्न ठंडा तेल में यूज किया जाता है और कई जगह में यूज किया जाता है। ये इसका रेट भी बहुत महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं, बस थोड़ा कम कम डालो यहाँ तक आ गए। इधर खाली है दोस्तों। ये हरा हरा जो दिख रहा है तेल है, और नीचे का जो दिख रहा है ये साड़ी है, जैसे माठा की साड़ी हो जाती है ऐसे। दोस्तों ये देखिए इतना तेल निकला हुआ है। 3 गठरी पिपरमिंट थी, उस हिसाब से 3 गठरी के हिसाब से निकला। यहीं से वीडियो को करते हैं समाप्त। यह बांधिए।